आज का ब्लॉगिंग है दोस्तों, नाइट व्यू। अब मैं आपको अशोक धाम का दिखाऊंगा। अभी मैं इस वक्त NHSC के बलगुद्दर में हूँ, आप लोग देख सकते हैं। ये है मेन द्वार अशोक धाम का। चलिए मैं आपको आज अशोक धाम का दर्शन कर पाता हूँ। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों मेन द्वार को, देखिए कितनी खूबसूरत है नाइट में व्यू। देख सकते हो, मैं अब अंदर प्रवेश कर रहा हूँ दोस्तों। ये देखिए मंदिर की व्यू कितनी खूबसूरत है। ये बाहर से देखिए कितनी जगमगा मग लाइटों के साथ, और देख सकते हैं आज मैं आपको अंदर जाके भी दर्शन कराऊंगा महादेव का। आप लोग देख सकते हैं, देखिए कितनी खूबसूरत मंदिर है। मंदिर के क्या बोले हम लोग, तो व्यवस्था इसकी व्याख्या नहीं कर सकते हैं। देखिए ये बाहर की सीन, मेन गेट का, मंदिर का मेन गेट आप लोग देख सकते हैं। तो ये भगवा ध्वज लहराते हुए आन बान शान के साथ देख सकते हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों मेन गेट, वाओ। चलिए दोस्तों आप हम लोगों के साथ, मैं आपको मंदिर का अंदर का व्यू दिखाता हूँ। चलिए दोस्तों देख सकते हैं, ये वीडियो जो है मेरा भाई बना रहा है। मैंने उसको बोला चलो वीडियो बनाओ, अंदर का व्यू ले लेना है थोड़ा सा। घंटी बजाना भी मना है क्योंकि बाबा बोले घंटी नहीं बजाना है, इससे कोई प्रॉब्लम होता होगा, अभी टेक्निकल इशू, भगवान को डिस्टर्ब ना हो, इसी कारण घंटी नहीं बजाना है रात के समय में। चलिए मैं आपको अपना प्रणाम करके आगे बढ़ता हूँ महादेव की ओर। हर हर महादेव। जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक शेयर कमेंट साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। सभी को, सभी की मनोकामना पूर्ण हो, महादेव करे जो भी वीडियो देख रहे हैं। चलिए दोस्तों देख लीजिए दोस्तों, ये ग्रिल, ये यहाँ पे सावन में बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है यहाँ पे भी, जैसे इसलिए व्यवस्था किया गया श्रद्धालुओं का, भीड़ को कैसे नियंत्रित किया जाए। बाबा अंदर जाने में भी मना किए हैं, अभी यहीं से आप लोग दर्शन कर लीजिए महादेव का लाइव टेलीकास्ट देख लीजिए। हर हर महादेव। जो भी सभी भी जो भी व्यूअर का मेरा उनका इच्छा जरूर पूर्ण करें महादेव, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं खासकर उनके लिए, उनका जो भी मनोकामना है जरूर पूर्ण हो, मैं ये महादेव से मांग रहा हूँ। देख सकते हैं CCTV कैमरे की निगरानी में आप लोग हैं। ये रहे यहाँ का पंडा बाबा, हम लोग बोल सकते हैं। यहाँ हम भी हम लोग दक्षिणा देंगे इनको। हर हर महादेव, देख लीजिए आप लोग चारों ओर। मैं आपको बाहर का यह सीन दिखा रहा हूँ, देख लीजिए बहुत लाजवाब सीन है, बहुत शानदार लाइटों के साथ, जगमगाई लाइटों के साथ। ये देख सकते सामने पार्वती माता का मंदिर है ये, और देख सकते ये है महादेव का मंदिर। आप लोग देख सकते कितनी शानदार है, क्योंकि शिवरात्रि आने वाला है, 1 तारीख को शिवरात्रि, उसका तैयारी बहुत ज़ोरों से चल रहा है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही भीड़ रहती है। आप लोग देख सकते अभी रात में हूँ, मैं इस रास्ते से गुजर रहा था हलसी के लिए, इसलिए सोचा चलो आज का अंदर का भी वीडियो कर बना ही लेते हैं ब्लॉगिंग के लिए। देख सकते हैं दोस्तों कितनी सुंदर मंदिर है, आप लोग एकदम LED बल्ब व्हाइट लाइटों के साथ जगमग जगमग करते हुए देख सकते हैं। यहाँ ब्रिकेटिंग बहुत अच्छी की गई है श्रद्धालुओं को नियंत्रित करने के लिए, क्योंकि 1 तारीख को शिवरात्रि, यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ लगने वाली है, इसी के मंदिर प्रशासन ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है। ये देख सकते हैं परिसर को, सामने कुआँ है दोस्तों, जिन भी श्रद्धालुओं को हाथ पर धोने की व्यवस्था है, कुआं भी है और नल भी है, ये देख सकते हैं। ये देखिए दोस्तों कितनी खूबसूरत है। यहाँ पे भी हम लोग का घर है अपना पर्सनल, देख सकते हैं। ये है मंदिर के परिसर से मैं आपको पीछे साइड का गेट का व्यू दिखा रहा हूँ, देख लीजिए दोस्तों कितनी खूबसूरत है। और आप ये सामने मेन रोड से मेन गेट का एंट्री आप लोग देख सकते हैं। मैं नेक्स्ट पीछे दिखाया था पीछे गेट से, और ये है सामने मेन फ्रंट गेट का, देख सकते हैं बहुत ही शानदार है सामने से। देखिए भगवा ध्वज किस तरह से लहराते हुए हमारी आन बान शान देख सकते हैं।